डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टू हमारे जो लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में किस किस टाइप्स के सेंटेंसेस यानी वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो हम वाक्य इस्तेमाल करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फोर, यानी चार प्रकार के वाक्यों का हम इस्तेमाल करते हैं। और उन वाक्यों के एंड में, यानी देखिए, विद द यूज ऑफ स्पेसिफिक पंक्चुएशन एट द एंड, यानी जब भी वाक्य हम लिख के खत्म करते हैं तो उस वाक्य के एंड में एक पर्टिकुलर मार्क हमें नजर आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम कौन कौन से प्रकार के वाक्य हैं उनको समझेंगे। यदि हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो इट्स असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम इसको कहेंगे, जिसका एंड होता है फुल स्टॉप से, है ना, जिसको पूर्ण विराम कहते हैं हम हिंदी में। नेक्स्ट उसका टाइप है सेंटेंस का, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या मतलब है, प्रश्नार्थ वाक्य, जिसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, यानी जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं, किसी चीज की जानकारी लेते हैं, तब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट उसका काइंड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों में हम लोग ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम कोई कमांड देते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज की, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से क्या मतलब है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम हमारी फीलिंग्स या भावनाओं को, सडन फीलिंग्स जो होती है हम उसको बताते हैं, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। दीस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय द एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या होता है इनके पीछे, ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे, हम उनको पहचान सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क से। अब ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है वो एक बार आप वापस देख सकते हैं बोर्ड पे और नोट डाउन कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार। यस, अभी हमने पढ़े थे अलग अलग काइंड्स के सेंटेंसेस, अब हम उन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस और जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इस सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, देखिए पीछे फुल स्टॉप भी है ना, पूर्ण विराम है, इसको फॉलो करता है ये। आर डू नॉट ईट जंक फूड, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव सेंटेंस में डिक्लेरेशन है और ये हमें बता रहा है कि मैं जंक फूड नहीं खाता हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कुछ इंटरोगेशन की जाती है, जिसमें कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट काइंड की हम बात करेंगे तो इट्स इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका बेस है इंपेरेटिव सेंटेंस में, या तो इसमें कोई आदेश दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, या कोई कमांड दी जाती है, या किसी टाइप की रिक्वेस्ट की जाती है। तो देखिए, इसमें हमें कमांड का फॉर्म नजर आ रहा है, क्या फॉर्म नजर आ रहा है, कमांडिंग फॉर्म, गो टू योर क्लास, है ना, कमांड, आदेश दिया जा रहा है इसमें कि आप अपनी कक्षा में जाइए। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारी सडन फीलिंग को बताता है, हमारी भावनाओं को बताता है, सडन एक्सप्रेशन बताता है, इसलिए इस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल है हमारे पास वेल डन एंड दिस सेंटेंस इज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको वापस और इसको समझिए। थैंक यू।